ये फोटो शूट नहीं, हाँ बिल्कुल, मैंने काफ़ी टाइम से फ़ोटो सेशन नहीं किया है, मेरी फिल्म भी रिलीज़ होने वाली है, मैं मुझे ये भी लगा कि मैं कुछ फ़ोटो लूँगा, मेरे हिसाब से एटलीस्ट फॉर माई सेल्फ कुछ 3 साल हो गए, मैं बहुत वैसे फ़ोटोशूट ज़्यादा वगैरह करता हूँ नहीं, बट काफ़ी लोगों ने भी कहा कि तुम अभी जाके फ़ोटोशूट कर लो, हमें शायद ज़रूरत पड़ेगी फ़ोटोज़ की। और जैसे कि मैंने कहा था कि तेरे बिन लादेन डेड ऑर अलाइव में मेरे दो बहुत अलग अलग लुक्स हैं, एक एक अमरीकी कैरेक्टर है, वाइट कैरेक्टर जो CIA प्ले कर रहा है, और ओबामा के कुछ इंस्ट्रक्शंस पे वो हिंदुस्तान आता है, मगर अपना हुलिया बदल के, अपना चेहरा बदल के एक पंजाबी NRI प्रोड्यूसर बन के हिंदुस्तान आता है। तो उसके लिए मुझे 17-18 किलो पुट ऑन करने पड़े थे। अभिषेक शर्मा जो हमारी फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा था कि सिकंदर मैं चाहता हूँ कि तुम इसके लिए थोड़ा मोटा हो जाओ, तो मैं बहुत खुश था, मुझे लगा यार ये मतलब हमेशा डायरेक्टर बोलते हैं कि पतले हो जाओ, फिट हो जाओ, 6-pack लाओ, 8-pack लाओ, मेरा उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मोटे हो जाओ, मैं खुशी खुशी मैंने कह दिया हाँ। ये मुझे ये नहीं पता था कि अब जब मैं पतला होऊंगा तो कितनी मुश्किल होगा ये होने में, बट क्या था कि कैरेक्टर इतना कमाल का था, जो डेविड डू समथिंग और डेविड चड्ढा का कैरेक्टर है वो इतना कमाल का है कि कुछ मतलब मैं तो ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि एज एन एक्टर मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि टाइमिंग सही थी, बहुत सारी चीज़ों लाइफ में टाइमिंग के हिसाब से होता है।